दोस्तों सब्सक्राइब करें सुपर हीरो टॉक्स को और इस बेल आइकन को दबाएं सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। वेलकम बैक। तो दोस्तों एमसीयू अब तक कुछ 19 मूवीज़ को दिखा चुका है और उन मूवीज़ में कम से कम कुछ 30 से भी ज़्यादा विलन्स को इंट्रोड्यूस कर चुका है और उन 30 से भी ज़्यादा विलन्स में से किसी 10 को चुनना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैंने ये किया है। और अगर आपका फेवरेट विलन इस लिस्ट में नहीं हो तो आप बेशक उसे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कि हो सकता है ये वीडियो इन्फिनिटी वॉर से रिलेटेड स्पॉयलर्स रखती हो। तो जहां इस लिस्ट के सभी विलन्स के पास कुछ बहुत ही अनोखी सुपर पावर्स हैं, तो वहीं हेलमेट जीमो के पास इनमें से कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस लिस्ट के इकलौते करेक्टर्स में से है जिन्होंने अपना प्लान को सक्सेसफुल किया। तो दरअसल दोस्तों हेलमेट जीमो का पूरा नाम एमसीयू में कर्नल हेलमेट जीमो है और वो सोकोविया के स्पेशल फोर्सेस में काम करता था, जहां पे उसका काम था सोकोविया के लोगों को बचाना। लेकिन जब अल्ट्रॉन सोकोविया के ऊपर हमला करता है तो उसकी पूरी फैमिली वहां मर जाती है। तो फिर से जीमो ने ये फैसला लिया कि अब वो अवेंजर्स को अलग कर देगा और उनके बीच में लड़ाई लगवा देगा, खासकर आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका में, और वो ऐसा करने में कामयाब भी रहा। हमने उसको यहाँ पे इसीलिए रखा है क्योंकि बिना किसी सुपर पावर अपने मिशन में कामयाब हो जाना, खास तौर पे तब जब आपके खिलाफ इस धरती के सबसे शक्तिशाली हीरोज हों। उसने हीरोज को अपनी ताकत से नहीं अपने दिमाग से हराया है और अपनी स्ट्रेटेजी से, इसीलिए उसका यहाँ पे होना जरूरी था। स्पाइडरमैन होमकमिंग के विलन वल्चर की अनाउंसमेंट हुई थी तो बहुत से फैंस दुखी हो गए थे ये सोच के कि ये विलन बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, लेकिन फिर से मार्वल ने साबित कर दिखाया कि कैसे वो एक छोटे से विलन को भी इतना ज्यादा पावरफुल दिखा सकते हैं। उसने पूरी तरह से वल्चर की काया ही पलट दी। कॉमिक्स में वल्चर इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन मूवीज में उसे बहुत ज्यादा खतरनाक विलन को दिखाया और मार्वल ने प्रूव कर दिखाया कि कैसे एक आम विलन को भी हम एक्सट्रीम पावरफुल विलन दिखा सकते हैं। उसके ऊपर से वल्चर अंदर ही अंदर एक अच्छा आदमी भी था, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा था बस अपने परिवार के लिए कर रहा था। और आपको ये तो याद ही होगा कि जब स्कॉर्पियो ने उससे स्पाइडरमैन की असली आइडेंटिटी पूछी तो उसे ये पता था कि पीटर पार्कर ही है स्पाइडरमैन, लेकिन फिर भी उसने उसे ये बात नहीं बताई। तो ये प्रूव करता है कि वो अंदर ही अंदर एक अच्छा इंसान था और वो बस ये सब अपने परिवार का पेट भरने के लिए कर रहा था। फैंस को मार्वल ने सबसे ज्यादा तब हैरान कर दिया जब उन्होंने फैंस को बताया कि शील्ड का एक फाउंडर मेंबर अलेक्जेंडर पियर्स हाइड्रा का एजेंट है और उसने हाइड्रा को शील्ड के अंदर ही बनने में मदद की। और इसे सुन के बहुत सारे फैंस शॉक में चले गए थे, क्योंकि शील्ड जो इतनी बड़ी एसोसिएशन थी और जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था कैप्टन अमेरिका का हाइड्रा, वो आज भी शील्ड के अंदर जिंदा था। तो ये कैप्टन अमेरिका के लिए बहुत ही दुख की बात थी, क्योंकि जिस एसोसिएशन को खत्म करने में उन्होंने अपनी जान दांव पे लगा दी थी वो आज भी शील्ड के अंदर पनप रहा था। लेकिन अलेक्जेंडर पियर्स ने बस इतना ही नहीं किया, उसने प्रोजेक्ट इनसाइट भी चालू किया था। दरअसल प्रोजेक्ट इनसाइट का मिशन ये था कि उसे न्यूयॉर्क बैटल के बाद जो भी टेररिस्ट ग्रुप्स थे उन्हें मारने के लिए बनाया गया था। लेकिन दरअसल अलेक्जेंडर पियर्स ने इसका मिशन ये नहीं रखा था, उसने इसका मिशन ये रखा था कि जो भी लोग हाइड्रा के लिए खतरा हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्रूस बैनर, उन्हें मारा जाए इस प्रोजेक्ट इनसाइट की मदद से। तो इसी खास दिमाग और इस खतरनाक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के कारण अलेक्जेंडर पियर्स का यहाँ होना तो बनता ही था और वो इस प्लेस को डिजर्व करता है। तो ईगो को हम मार्वल के कुछ सबसे बड़े विलन्स में गिन सकते हैं, मैं यहाँ साइज की बात कर रहा हूँ। उसके ऊपर से ईगो एक सेलेस्टियल था और ये बात क्लियरली बता दी गई है गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी के वॉल्यूम 2 में। उसके ऊपर से इमोशनल टच इस बात को ये चीज़ देती है कि वो स्टार लॉर्ड का पिता था और उसी ने स्टार लॉर्ड की मॉम को मारा था। ये सुन के स्टार लॉर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था और उसने ईगो के ऊपर गोलियाँ चला दी थी, लेकिन फिर भी उससे उसे कुछ नहीं हुआ था क्योंकि उसकी असली जान तो उस ईगो द लिविंग प्लैनेट में थी। अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं, एक पूरा प्लैनेट और वो एक सेलेस्टियल था, उसने खुद का पूरा प्लेनेट बनाया था। तो अब आप लोग सोचिए जो इंसान खुद का एक पूरा प्लेनेट ही बना सकता है उसकी पावर्स के क्या लेवल होंगे। इसीलिए मैंने उसे यहाँ पे रखा है इस लिस्ट में और मुझे लगता है वो इस स्पॉट को डिजर्व भी करता है। अल्ट्रॉन हमें सबसे पहले दिखा था अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में, इसे बनाया था टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने मिलके। टोनी स्टार्क का इरादा ये था
कि ये दुनिया को बचाने में मदद करेगा, लेकिन अल्ट्रॉन के इरादे कुछ और ही थे। वो दुनिया को बचाने का मतलब समझ रहा था इंसानों को ही खत्म कर देना, क्योंकि उसका मानना था कि हमारी इवोल्यूशन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो वो उसे स्पीड अप करना चाहता था और वो सभी इंसान को खत्म करके रोबोट से बदल देना चाहता था। लेकिन फिर भी मूवीज में उसे बहुत ज्यादा वीक दिखाया गया है और वो बहुत ही आसानी से हार जाता है, लेकिन कॉमिक्स में उसे बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाया है और एक बार तो उसने सभी कैरेक्टर्स को मार दिया था और पूरी अर्थ के ऊपर अपना कब्जा भी कर लिया था। तो जो अल्ट्रॉन है उसका एक बार सर भी दिखाया गया था स्पाइडरमैन होमकमिंग में, तो इस बात की रेफरेंस हो सकती है कि वो अभी जिंदा है। मार्वल हमें ये दिखाने में लगा हुआ है कि हर एक विलन अपनी लाइफ का सुपर हीरो होता है। वैसा ही कुछ हुआ है किल मॉन्गर के साथ। तो किल मॉन्गर के साथ अन्याय हुआ था और फिर वो वापस वकांडा आ जाता है अपनी गद्दी का हक लेने के लिए। इसके लिए पता नहीं उसे कितनी सारी चीजें करनी पड़ी और पता नहीं कितने लोगों को मारना पड़ा था, और वो वकांडा आता है और अपनी गद्दी का हक मांगता है और फिर वो ब्लैक पैंथर से यानी कि तचाला से लड़ाई करता है, और ना सिर्फ लड़ाई करता है उसे हराता है और थोड़े वक्त के लिए वकांडा का किंग भी बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो वकांडा का किंग बन जाता है। उसकी इस पर्सनैलिटी और उसकी इस बैक स्टोरी के कारण हमने उसको इस पोजीशन पे रखा है। डोरमामो की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी डॉक्टर स्ट्रेंज की फर्स्ट मूवी में और ये डार्क डायमेंशन का रूलर भी है, लेकिन अगर उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं होता तो शायद वो डोरमामो को नहीं हरा पाता और डोरमामो अपने मिशन में कामयाब हो जाता, जो कि था सभी डायमेंशन को डार्क डायमेंशन का एक हिस्सा बनाना। लेकिन उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे रोक दिया था। रूमर्स तो ये भी हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के अगले पार्ट में डोरमामो लौट के आएगा। उसके ऊपर है लोकी, जो कभी इस लिस्ट में नंबर 1 पे हुआ करता था, लेकिन थॉर रैग्नारोक के बाद सब कुछ बदल गया। लोकी ने अवेंजर्स को अवेंजर्स 1 में बहुत अच्छी टक्कर दी और वो लगभग सक्सेसफुल भी हो गया था अगर उसने अवेंजर्स को कम हाँकने की गलती ना की होती। लेकिन थॉर रैग्नारोक के बाद से लोकी एक विलन कम और एंटी हीरो ज्यादा लग रहा है, क्योंकि थॉर रैग्नारोक में भी उसने थॉर का साथ दिया और इन्फिनिटी वॉर में तो वो हीरोज के लिए मर भी गया, मतलब अपने भाई के लिए। तो अगर किसी ने अपने नाम को बिल्कुल सही साबित किया है तो वो है हेला। उसका नाम मौत की देवी, और उसने उस बात को प्रूव भी किया और वो एस्गार्ड में आते ही मौत का सिलसिला चालू कर दिया। उसने जितने भी जिंदा लोग थे सबको मार दिया और उसी के कारण एस्गार्ड भी तबाह हो गया। वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि थॉर को ओडिन फोर्स मिलने के बावजूद वो उसे नहीं हरा पा रहा था, और ओडिन के मरने के बाद लोकी और थॉर दोनों को मिल के भी उसे हराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। दोनों को क्या, उनकी तो पूरी फौज ही थी जिसमें वोल्काइरी, हल्क और सब शामिल थे, सब मिल के भी उसे नहीं हरा पा रहे थे, इसीलिए उसका यहाँ पर रहना तो बनता ही था। तो नंबर 1 पे जाने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 30 से भी ज़्यादा विलन्स और सिर्फ 10 की लिस्ट है, तो मैं 10 तो बता ही रहा हूँ, साथ में कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी बता देता हूँ, जो कि हैं रेड स्कल, ओबेडिया स्टैन, काइसीलियस, रोनन, सर्थर। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो नंबर 1 पे वही विलन है जो आधे यूनिवर्स को मार के भी मुस्कुरा सकता है। जी हाँ, थैनोस। तो वो एक ऐसा विलन है जो ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि उसने आधे से भी ज्यादा सुपर हीरोज को मार भी दिया। उसने फॉर्मेट ही बदल दिया है अब सुपर हीरो मूवीज का, जो कि पहले हुआ करता था कि सुपर हीरो आएंगे और विलन को मार के जाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग तो समझ रहे थे कि थैनोस ही मूवी का हीरो है और उन्हें लग रहा था कि थैनोस की साइड ही सही है, और बहुत से थैनोस के फैंस भी बन गए हैं। मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि थैनोस सही था और उसका मकसद भी सही था, लेकिन तरीका गलत था। वो कहते हैं ना, सही करने में और गलत करने में बस एक लाइन का अंतर होता है, तो बस थैनोस के साथ भी वही हुआ और उसने गलत रास्ता अपनाया, इसीलिए वो उस विलन की लिस्ट में नंबर 1 पे है, नहीं तो वो हीरो की लिस्ट में नंबर 1 पे होता। लेकिन हाँ, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हर विलन खुद का एक सुपर हीरो होता है, तो थैनोस खुद का एक बहुत ही बड़ा सुपर हीरो है और उसने एक तरह से दुनिया को बचाया है खुद के नज़रिए से। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दे लाइक, इसे करें अपने दोस्तों के साथ शेयर ताकि उन्हें भी पता चल जाए टॉप 10 विलन्स।
So, this all seems horrible. I've seen worse. Sorry. No, we could use a little worse. Stark, we got him. Banner? Just like you said. Then tell him to suit up. I'm bringing the party to you.